और बता दें इंदौर से खबर, जहां प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। पधारो महारे घर अभियान के तहत ही मुलाकात की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर रहे हैं, आनंदा सोसाइटी पहुंचे। मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद है और आनंदा सोसाइटी में जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, पधारो महारे घर अभियान के तहत होम स्टे जो कि पहली बार हुआ है इस अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में, तमाम इंदौर वासी जिन्होंने इन प्रवासी भारतीयों का एनआरआई का दिल खोलकर स्वागत किया, और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आनंदा सोसाइटी पहुंचे जहां एनआरआई से मुलाकात की जा रही है। हालांकि वो पहले भी इंदौर पहुंचे, सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे, एनआरआई से मुलाकात कर चुके हैं, जहां 56 दुकान भी कल पहुंचे थे अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान। और इस दौरान एनआरआई को, तमाम इन मेहमानों को साधना सिंह ने, उनकी पत्नी ने अपने हाथों से इस व्यंजन को परोसा था, उन्हें खिलाया था, जिनका जमकर स्वाद तमाम मेहमानों ने लिया। लेकिन अभी फिलहाल खबर यह है कि पधारो महारे अभियान, मेरे घर अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे आनंदा सोसाइटी, जहां मुलाकात की जा रही है प्रवासी भारतीयों से। पधारो महारे घर, ये मालवा की भाषा है, पधारो महारे घर यानी कि हमारे घर आइए। ये अभियान इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए ही इंदौर में चलाया गया था। जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ पीयूष पारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए इंदौर वासी तो खुले दिल से स्वागत कर ही रहे थे तमाम मेहमानों का, लेकिन अभी क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ जानकारी, आनंदा सोसाइटी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तमाम जो मेहमान आए हैं प्रवासी भारतीय उनसे मुलाकात की जा रही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से एनआरआई समिट का दूसरा दिन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की थी, और उसके बाद में आज बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी आनंदा सोसाइटी पहुंचे हैं, और जिन लोगों को पधारो हमारे घर अभियान के तहत जो है वो रुकवाया गया, जिन एनआरआई मेहमानों को, उन मेहमानों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है, और सीएम का आदमी तौर पर स्वागत एनआरआई ने भी किया है। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे यहाँ पर एनआरआई का सम्मान करने आए हैं, लेकिन एनआरआई की आत्मीयता के आगे विषय नहीं, यहाँ पर जो है वो गदगद नजर आया। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये पूरा सम्मेलन हुआ है, उसमें तमाम एनआरआई जो मेहमान हैं उनका जो स्वागत हुआ है, उससे अभिभूत भी हैं। तो ये मुलाकात का दौर जारी है, और यहीं पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है उन लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, और एक चर्चा भी सीधे तौर पर आज तमाम प्रवासी भारतीयों से होगी। पीयूष, जरा ये जानकारी भी दीजिए, क्योंकि आनंदा सोसाइटी में इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर कितने होम स्टे बनाए गए हैं, कितने प्रवासी भारतीय घरों में रुके हुए हैं? देखिए यहाँ पर अलग अलग जो है वो प्रवासी भारतीयों को यहाँ रुकवाया गया है, स्टे करवाया गया है, और उसके साथ में हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पर इंदौर में तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन इस अभियान के तहत हुआ है। तो ये आनंदा सोसाइटी है, यहाँ पर तकरीबन 20 घरों में, अलग अलग घरों में प्रवासी भारतीयों को रुकवाया गया है, और यहीं पर कहीं ना कहीं वे लोग रुके हुए, यहीं से सीधे तौर पर जो है वो भारत की संस्कृति और इंदौर की संस्कृति को भी समझने का यहाँ पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया पीयूष, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए सबसे पहले बंसल न्यूज पर, ये वो तमाम प्रवासी भारतीय हैं जो कि पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, देश के दिल मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं, आर्थिक राजधानी इंदौर, जिसका आज नया नाम भी दिया गया, स्वाद की राजधानी, पीएम मोदी की ओर से। और आज आनंदा सोसाइटी में जो होम स्टे बनाया गया है, फैमिलीज के घर में प्रवासी भारतीय रुके हैं, उन प्रवासी भारतीयों से मुलाकात इस वक्त की जा रही है। असल किमी रेखा में किमी और रेखा वाइफ है।